बड़ी खबर 32-146 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, अधिकांश बागियों ने छोड़ा मैदान, कुछ देंगे चुनौती। जिले के 12 विधानसभा सीटों के लिए तय हुए योद्धा नाम वापसी का समय बीतने के साथ ही जिले के 12 विधानसभा सीटों के योद्धा तय हो चुके हैं। टिकट नहीं मिलने से बागी हुए कुछ उम्मीदवारों ने सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन मैदान से हटने का फैसला किया, जबकि कुछ डटे रहे। कुछ उम्मीदवारों के हटने के बाद जिले में 146 उम्मीदवार शेष बचे हैं। जिले की सभी सीटों के लिए कुल 205 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। पड़ताल में पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ कुल 28 के पर्चे अवैध साबित होने के बाद मैदान में 178 उम्मीदवार ही बचे थे, जहां 32 उम्मीदवार हट गए हैं। मदनापुर में कांग्रेस में बगावत का परचम बुलंद करने वाले पार्षद रमेश पुनेकर मैदान से हट गए हैं। पूर्व विधायक यशवंत बाजीराव, विनोद इंगोले एवं प्रफुल्ल बाकड़े भी मैदान से हट गए हैं। पश्चिम नागपुर से 3 उम्मीदवार प्रमोद नरड, यशवंत तेलंग एवं वीरसेन बार से हट गए हैं। उधर दक्षिण नागपुर से बगावत करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश सचिव योगेश कुंबलकर एवं पूर्व पार्षद राजू नांगुलवार सहित मंगल मूर्ति सोनकुसरे ने भी नाम वापस ले लिया है। इसी क्षेत्र से निर्दलीय पार्षद आभा पांडे, सुनील इंगड़े एवं राष्ट्रीय जन सुराज पार्टी के रोशन साहू हटे हैं। उत्तर से नागपुर पार्षद मनोज सांगोले के साथ महेंद्र भांगे एवं विशाल गोंडा ने भी चुनावी संग्राम से दूर हो गए हैं। उधर ग्रामीण की काटोल सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अनिल नीलकंठ देशमुख मैदान से हट गए हैं, जबकि भाजपा नेता नितिन राठी, खेमाजी बारापात्रे एवं अनुजा केदार ने भी मैदान छोड़ दिया है। उमरेड से शिवसेना बागी धारगावे नत्थू लोखंडे, राजेंद्र मेश्राम विलास झोड़ा पे हिंगना में, राजेंद्र कामले रामटेक में कांग्रेस नेता चंद्रपाल चौक से भी मैदान से हट गए हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब